यूपी के जनपद महाराजगंज के सक्सेना चौराहे पर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। जहां सरकार विरोधी नारे लगाए, वहीं जमकर बवाल काटा। वाहनों का शव यात्रा निकाल भाजपा सरकार को जमकर कोसा। दिन भर कांग्रेस ही सक्सेना चौराहे पर सरकार विरोधी नारे व भाषण देते रहे। अनोखे अंदाज में आज मोटरसाइकिलों और वाहनों का शव यात्रा निकाला। बता दें, महाराजगंज में कांग्रेस कमेटी के सदस्यों द्वारा लगातार जनपद में पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि को लेकर आंदोलन करते रहे हैं। पिछले दिनों बैलगाड़ी यात्रा निकाल पेट्रोल डीजल बढ़ोतरी के विरुद्ध में आंदोलन छेड़ा था, तो आज एक बार फिर पेट्रोल डीजल वृद्धि को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वाहन शव यात्रा निकाल प्रदर्शन किया है। जनपद महाराजगंज से गुलाम घोष की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं कि जिस तरह 70 साल में पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार इतना महंगा पेट्रोल और डीजल हुआ है, जो कि रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहीं बगल के मुल्क में जाएं, नेपाल में हमसे सस्ता है, अगल बगल के मुल्कों में सस्ता है, लेकिन हिंदुस्तान में अभी भी नरेंद्र मोदी जी ने सुविधा टैक्स लगा रखा है, उसको ये कम नहीं करेंगे। जनता जिए भाड़ में जाए, उससे उसका कोई मतलब नहीं है। आज देखिए आप, अगर कच्चे तेल की कीमत घटी है, बढ़ी है, तो इनको टैक्स भी तो घटाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने पहले जब कीमतें घटी थी तो टैक्स बढ़ाया कि भाई हमको घाटा पूरा करना है, लेकिन आज जब टैक्स घटाने की ज़रूरत है तो ये मौन है। तो क्या जनता का शोषण नहीं कर रहे हैं? इसीलिए हमने आज मोटरसाइकिल की और स्कूटर की सब यात्रा निकाली है, क्योंकि नरेंद्र मोदी में कोई और सुनने वाला तो है नहीं। इनके तानाशाह रवैये से सब परेशान है, कोर्ट परेशान है, आम जनता परेशान है, और आज तो पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा के इन्होंने किसान तक की कमर तोड़ने का काम किया है। तो आज आप लोगों ने शव यात्रा निकाली? जी हाँ, हमने मोटरसाइकिल की शव यात्रा निकाली है। इतनी महंगाई में ना कोई आदमी पेट्रोल से मोटरसाइकिल चला सकता है, ना स्कूटर चला सकता है, और ना ही किसान, जो इसका इस समय ज़रूरत है पानी की, धान के बीच में पानी चलाने के लिए, वो भी परेशान है, उसको भी डीजल नहीं मिलने वाला। ठीक है, हम लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल की महंगाई के लिए कर रहे हैं, ये पहली बार नहीं कर रहे हैं हम लोग। इससे पहले भी हम लोगों ने बैलगाड़ी यात्रा निकाल के इसका विरोध प्रदर्शन किया था कि आने वाले कुछ दिन में पेट्रोल के दाम 100 रुपये हो जाएंगे, डीजल के दाम 80 रुपये हो जाएंगे। इससे किसानों और आम जन बहुत परेशान है, इसलिए आज हम लोगों ने शव यात्रा निकाल के विरोध प्रदर्शन किया है कि मोदी सरकार सचेत हो जाए, वरना हम देश भर में विरोध प्रदर्शन करेंगे और इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे और इनकी सरकार गिरा देंगे। नरेंद्र मोदी होश में आओ।